जमील अहमद भुड़गरी की रिपोर्ट के मुताबिक बदीन के नज़दीक शादी लाड में वजीर अला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने 1.27 मिलियन एकड़ रकबे को बचाने के लिए धोरू पुरान ताज शकूर झील पानी के कुदरती रास्तों की बहाली का अफ्तताह कर दिया। इफ्तिताह के बाद वजीर अला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा, वफाकी हुकूमत ने आलमी बैंक के तआवुन से 1980 की दुहाई में लेफ्ट बैंक आउट फॉर ड्रेन LBOD तामीर किया था, लेकिन LBOD स्पाइनल इसकी खुदाई से कुदरती आबी गुजरगाहें हैं बंद हो गई हैं। वो इस नतीजे में बदीर, मीरपुर खास, सांगर और नवाबशाह की ज़मीनें सैलाब के दौरान जेर आब आने लगी और इन्हतात पज़ीर हो गई। इन मसाइल खास तौर पर ज़रिया माश और तबाहशुदा वेट लैंड एक्विस सिस्टम को मद्देनज़र रखते हुए सिंध हुकूमत ने धोरू पुरान के कुदरती रास्ते को बहाल करने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि NDMA के जारी करदा अदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में साल 2022 में बारिशें 175% रिकॉर्ड की गई हैं, जबकि सिंध में ये इजाफा जुलाई के महीने में 307% और अगस्त के महीने में 727% रहा, और जबकि ये रिकॉर्ड किया गया जिसकी वजह से बदीर, मीरपुर खास, सांगर, नवाबशाह के मकीनों को सैलाब का सामना करना पड़ा।